साल में सबसे ज्यादा एंटरटेन करने की है गारंटी, अलग अलग फिल्म चूज करने की है इनकी चॉइस तगड़ी, बिग स्क्रीन पर इनकी फिल्में करती हैं कमाई तगड़ी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी निगाहें हैं इन पर टिकी। राजीव हरिओम भाटिया, इनको तो आप जानते ही हैं, अरे आपके फेवरेट अक्षय कुमार। अक्षय के लिए राजीव से अक्षय बनने का सफर आसान नहीं था। पंजाब के अमृतसर में जन्मे और दिल्ली के चांदनी चौक में पले बढ़े अक्की आज माया नगरी की चमक हैं। इनकी फिल्मों का ऑडियंस को इंतजार रहता है और उन्होंने अपनी एक्टिंग से बिग स्क्रीन पर जलवे भी खूब बिखेरे हैं। दिल्ली से मुंबई पहुंचे अक्षय के सपने बड़े थे और उन्होंने इन्हें साकार किया। आज अक्षय कुमार की नेटवर्थ 2000 करोड़ रुपए की है। हर महीने करीब 4 करोड़ रुपए की इनकम होती है। दरअसल एक ओर जहां अक्षय फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, तो दूसरी ओर फिल्म में उनका प्रॉफिट शेयर भी होता है। वहीं हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए अक्की 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। भले ही अक्षय ने पान मसाला का विज्ञापन न करने का फैसला लिया हो, लेकिन उनके पास कई और एड्स हैं जिससे वो मोटी कमाई करते हैं। इनमें फेस वॉश, परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल के कई एडवर्टीजमेंट्स शामिल हैं। नतीजा ये है कि एड्स की लिस्ट में नंबर 1 पर अक्षय ही हैं। वैसे खिलाड़ी नंबर 1 इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर्स में से हैं, जो अपनी फिल्मों को जल्द से जल्द खत्म करने में विश्वास रखते हैं। लग्जरी लाइफ के साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले अक्षय कुमार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सल्यूट करता है। मिस्टर कुमार को डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा टैक्स पे करने के लिए ऑनर भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्की के पास प्राइवेट जेट भी है। वहीं उनके जुहू वाले बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। बात करें कार कलेक्शन की तो अक्षय कुमार के पास रोल्स रॉयस से लेकर बेंटले तक शामिल हैं। वेल, दे दनादन फिल्म करने वाले अक्की पर धन धनाधन लक्ष्मी बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।